मॉर्निंग एवरीवन, आपकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है परसेंटेज की, दैट इज रिलेटेड टू टैक्स। आप सबने ये वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली सुना है, टैक्स क्या होता है सबको पता है, राइट? सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू सेल्स टैक्स। जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स क्या होता है? टैक्स चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ द गुड्स। एक्चुअली क्या था, अब तो हमारे पास सारे टैक्स की जगह एक ही आ गया है टैक्स, जीएसटी। अदरवाइज पहले क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगते थे, सेल टैक्स लगता था, वैट लगता था और टैक्स लगते थे, ठीक है? बिकॉज ये पुरानी पब्लिकेशन है सो उसके अकॉर्डिंगली वो सेल टैक्स और वैट की बात करी जा रही है यहाँ पे। सो सेल टैक्स क्या है? द टैक्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ द गुड्स, ठीक है? सपोज हमने एक एक शॉपकीपर है, उसने एक कोई भी प्रोडक्ट लिया, फॉर दैट मैटर आप सोचो एक टेबल ही लिया उसने, और वो जो टेबल था उसकी उसको कॉस्ट पड़ी राउंड अबाउट 1200, ठीक है? सो इस 1200 की कॉस्ट पे उसको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसको इसकी सेल पे टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द सेल टैक्स। तो जो उसको टैक्स देना पड़ता है, सपोज 1200 के टेबल पे वो 50 रुपीस टैक्स दे रहा है, तो जो उसको टैक्स देना पड़ता है तो वो किसने जाता है, पर्सन की सेलिंग प्राइस भी। तो जितना टैक्स देना पड़ेगा वो शॉपकीपर अपनी तरफ से नहीं देगा, वो कस्टमर पे लगा देगा उतना ही टैक्स, उतना ही ज्यादा पे कस्टमर को करना पड़ता है, ठीक है? सो ये बेसिकली जो टैक्स है वो हम ऐड करते हैं, और जो डिस्काउंट था वो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, बिकॉज उस पर हमें किसी चीज पे रिबेट मिलती थी कि कितना मार्क्ड है, उस पर हमें डिस्काउंट मिला तो वो हम माइनस करके फाइंड आउट करते थे। और टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा इसको ऐड करेंगे, राइट? क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। और जो टैक्स है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, राइट? सो लेट्स डू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू टैक्स। हमने क्वेश्चन वन कर लिया था, क्वेश्चन टू कर लिया था, थ्री कर लिया था, फोर कर लिया था, फाइव कर लिया था, राइट? इवन सिक्स भी हमने कर लिया था। नाउ क्वेश्चन सेवन, आई गेस मैंने आपको होमवर्क दे दिया था। क्वेश्चन एट कर रहे हैं, अगर नहीं दिया था तो आज दे दूंगी मैं होमवर्क। क्वेश्चन एट स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज रिलेटेड टू टैक्स इटसेल्फ। Question 8, exercise 8.2, and the question is, a price of a TV is rupees 13,000. TV की price given है हमें, कितनी है, 13,000. That means cost price of TV is rupees 13,000. Sales tax charged on it is at a rate of 12%. So उस पे जो टैक्स लगा है, सेल्स टैक्स को कितना लगा है, दैट इज 12%। एज़ आई टोल्ड यू कि जो सेल्स टैक्स है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है कि वो चीज की कितनी कॉस्ट है, राइट? सो सेल्स टैक्स कितना आ जाएगा, 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, दैट इज 12% ऑफ 13,000। ये आपका सेल्स टैक्स आ गया। So 12 upon 100 into 13,000 ये कटिंग होगी, so यहाँ पे आ गया 12 into 130, right? क्या किया हमने, सेल्स टैक्स हमें कॉस्ट प्राइस गिवन थी और हमें सेल्स टैक्स की परसेंटेज गिवन थी। एज आई टोल्ड यू जो सेल्स टैक्स है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, सो सेल्स टैक्स कितना आ गया, 12% ऑफ सीपी। So CP is 13,000, that means 12% of 13,000. So 12 into 13, आप इसको multiply कर लोगे and you will get the answer, right? इसको multiply करोगे, जल्दी से इसको multiply करो। 12 into 13, 156 आ गया। So this comes out to be 1,560, right? So ये आपका sales tax आ गया। अब basically question में क्या पूछा है आपसे? They are asking find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. तो विनोद को कितना पे करना पड़ रहा है अगर उसने उसको बाय किया है, तो
amount to be paid by Vinod. Vinod कितना pay करेगा? पहले तो जितनी उसकी cost price है 13,000 तो उसको देना ही देना है, उसके साथ उसको 1,560 rupees as a tax भी pay करने पड़ेंगे 1,560. तो ये आपका आ जाएगा 14,560. Hurry up, everyone. Be fast, all of you. उपासना मैम, परी को प्लीज रिमूव कर दीजिए. परी खुराना मैम, इसको वेटिंग में डाल दो. इसकी हर 2 मिनट के बाद जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाती है. आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई. राधिका मैम, आज 8-10 बजे क्वेश्चन नंबर टेन purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT. VAT is value added tax. ये भी आगे लगता था, अब नहीं है ये. So हमने एक hair dryer परचेज किया जिसकी कॉस्ट 5400 एंड हेयर दे आर सेइंग कि इसमें जो VAT है, मीन्स जो value added tax है वो included है. Means tax included है तो ये क्या given है? This is the selling price of the hairdresser. This is what you need to decode in the questions. आपको questions में यही decode करना है कि आपको cost price given है कि selling price given है. If they are saying कि VAT is added in it, if they are saying कि VAT added है, तो that means कि आपको selling price given है, right? So that means here the selling price of hair dryer is given. Selling price of hair dryer is ₹5,400. VAT kitna hai? VAT is 8%. VAT means value added tax, which is not there now. Value added tax ab nahi hai. Theek hai, us sab ko replace kar diya hai GST se, right? So ye aapka hair dryer ka selling price aa gaya, ye VAT aa gaya. And we know ki hamesha kya hota hai, जो टैक्स है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है? टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी. सो हमने लेट द सीपी ऑफ हेयर ड्रायर बी एक्स, हमने सीपी को एक्स सेट कर लिया, तो टैक्स कितना आ गया? 8% ऑफ टैक्स, दैट इज 8/100x, दैट इज 8x/100. ये आपका वैट आ गया, ठीक है. अब हमें पता है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस भी VAT ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है?
परचेज करना, फॉर दैट मैटर अगर आप एक रेफ्रिजरेटर ही लेने जाते हो मार्केट में, तो आपको बताया जाता है कि रेफ्रिजरेटर 40,000 का है, अभी इसमें GST लगेगा, मीन्स अभी इसमें टैक्स लगेगा, तो वो जितना भी टैक्स कैलकुलेट करते हैं पहले हम उनको 50,000 को पे करते हैं, उसके साथ अगर 300 टैक्स है तो वो भी लेके आते हैं, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस बनती है यहाँ पे, ऐसे ही बनती है ना। आप में से आप कभी तो गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ कोई चीज परचेज करने, तो आप यू माइट हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन कि आपको उन्होंने बताया हो कि बेटा ये कॉस्ट प्राइस है और इसके साथ इतना GST लगेगा, तो टोटल वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया, ये कॉस्ट प्राइस थी, इतना टैक्स लग गया, तो टोटल क्या बन गया उसकी सेलिंग प्राइस। नाउ यू कैन सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपका बन जाएगा 108 is equal to 5,400. So this comes out to be ₹5,000. That means the cost price of that hairdresser was 5,000. 5,000 उसकी price थी, तो उसपे tax कितना लग गया? Tax उसपे कितना लगा? 400. क्योंकि 5,400 later on हमें pay करना पड़ा, right? So this is all about your exercise 8.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, सॉरी 8.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। सो ये हमारा था वैल्यू एडेड टैक्स और ये हमारा था सेल्स टैक्स, ठीक है। नाउ अकाल सिमर को डाउट है क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि जब मैम एक्सप्लेन कर रहे थे तो ये किसी के साथ बातें करने लगा हुआ था, हेडफोन्स उतार के बातें हो रही थी, पास में कोई आ गया था, है ना अकाल सिमर, आई वॉज वॉचिंग यू। मैंने इन बिटवीन इंटरप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम अपनी रिदम को ब्रेक नहीं करना चाहती थी, बट आई वॉज वॉचिंग यू, आप बातें कर रहे थे, एम आई राइट और रॉन्ग अकाल सिमर, आई एम वॉचिंग यू नाउ ऑल्सो, आई एम राइट ना, यू वर टॉकिंग टू समवन ना, मम्मा आए थे आई गेस, है ना, यस ओके। उपासना मैम अकाल सिमर को अनम्यूट कर दो। यस मैम, राधिका मैम एक सेकेंड आप रिकॉर्डिंग बंद करो। यस मैम, अब बच्चे सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज नहीं होता, दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पे कैलकुलेटेड किया जाता है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। यू वेंट टू द बैंक, आप बैंक में गए, आपने 2,000 रुपीज या 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराया बैंक में, ठीक है। तो आपने जो 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाया, दैट इज योर प्रिंसिपल, वो क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। जब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो आपने बैंक वाले वालों से पूछा कि बैंक एम्प्लॉय से कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। तो बैंक एम्प्लॉय ने आपको बोला कि इस पे आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो जो 5% था, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने इसको कितने देर के लिए, अगर आपने इसका फिक्स डिपॉजिट कराना है तो कितने टाइम के लिए करवाना है, आपने बोला 2 years के लिए, तो वो जो 2
इयर्स पे दैट इज द टाइम पीरियड. वो क्या है? टाइम पीरियड. आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई. पी इज द प्रिंसिपल, मींस जितने पैसे आपने बैंक में दिए. आर इज द रेट, जितने रेट पे दिए. एंड टी इज द टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100. अब मैंने एक लाइन लिखी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? जो अमाउंट आप इनिशियली बैंक में डिपॉजिट कराते हो. जैसे आपने 10,000 डिपॉजिट कराया तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 10,000. और जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी. वो एग्जाम्पल हम सिंपल इंटरेस्ट से भी फाइंड आउट करेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट से भी फाइंड आउट करेंगे. राइट, सो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. हम जब भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो हमेशा जो अमाउंट कैलकुलेटेड होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है. राइट, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस की क्लैरिटी के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या है इसकी क्लैरिटी के लिए हमें एक एग्जाम्पल को स्टडी करना पड़ेगा. आपने ये टेबल बना लिया, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का मैंने सब कुछ लिख दिया जितना रिक्वायर्ड था. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप स्पेस छोड़ दो, पहले मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी, फिर दोबारा मैं यहाँ पे वापस आऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ही है ये. And the example is Seema deposited. उसने 15,000 बैंक में डिपॉजिट करवाए एट 5% पर एनम. एट 5% पर एनम फॉर 2 years. ठीक है, 2 years के लिए उसने करवाए. कैलकुलेट द अमाउंट ठीक है, हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है. एक और सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से एंड बी पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से. ठीक है, अब हमने एक एग्जाम्पल ली है जिसको हम सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से भी और कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से भी देखेंगे. अब मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट ऑलवेज रिमेन सेम, वो हमेशा सेम रहता है. मीन्स सेम प्रिंसिपल पे ही जो है इंटरेस्ट वो कैलकुलेट किया जाता है. तो हमें सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है. सिंपल इंटरेस्ट इज पी इनटू आर इनटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल हमारा 15,000 है, रेट हमारा 5 है, टाइम हमारा 2 years है, डिवाइडेड बाय 100. इसको सॉल्व किया, 5 × 10 1500 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया. दैट मींस अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो हमारा अमाउंट आ गया 15,000 प्लस 1500
ठीक है, ये अमाउंट आ गया हमारा। ये अमाउंट हमने किस पे कैलकुलेट किया है? ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है ऑन प्रिंसिपल फॉर टू इयर्स, ठीक है, एज अ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लेके ही हमने अमाउंट कैलकुलेट किया। जल्दी से नोट कर लो इसको, देन आई विल एक्सप्लेन द कंपाउंड इंटरेस्ट विद द सेम एग्जांपल। बी फास्ट एवरीवन, अभी भी लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, हुआ नहीं अभी? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है हमेशा, टाइम चाहे टू इयर्स है चाहे थ्री इयर्स है, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर टू इयर्स है तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल डिफरेंट होगा और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा? बिकॉज इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। सपोज आपने 15,000 डिपॉजिट कराया तो फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट 750 बना, तो सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15,750, फिर उस पे भी आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ओके, लेट्स डू इट विद एन एग्जांपल, फिर आपको बेटर क्लैरिटी होगी।